सर्वप्रथम स्वागत गान की प्रस्तुति के लिए बूथ अम्बेडकर उच्च विद्यालय की बच्चियों से कि आप आए और हमारे अतिथियों को स्वागत गान का स्वागत करें। बेटा के नौकरी हम ऊपर तक पहुंचवा तो ऊपर हम नौकरी करा जी नेताजी ठीक लेके जा सुना साथे जहाँ जहाँ और टिप्पणी देवे के बाद कागज में सब जगह एक टिप्पणी दिया जी 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 नेताजी कर ले रखी। नेता को मिलता है 5 लाख काम कर जी जी मौज मस्ती कर जी चार कैंडिडेट आउ घर के लाओ जी जी आके बुधना को भेज मालिक जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे तू काम कर। अच्छा मालिक तू 4-5 महीना ड्यूटी मत जा। अच्छा मालिक ओकर बाद तोहरा हम पागल के एगो सर्टिफिकेट बना दे। अच्छा मालिक पागल के सर्टिफिकेट हमारा ऊपर तक पहुँच जाए तो और बेटा के नौकरी हो जाए एकदम कोई चिंता के बात ना है। पागल खाना भर्ती हो ना ना कोई पागल तो बेटा के नौकरी हम करा दे। सुरक्षा किया है शुभ्र अपनी पत्नी को डांटता है कहता है जूता और टोपी अपना माँ बाप को पहन हमको चली है जूता टोपी पहनाने फिर शराब पीकर सुमरा ड्यूटी की ओर जाता है। हम चले ड्यूटी और मैं अपने संदेश से इस बहुत को विरोध करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा ये हरिद्वार का संदेश है। बहुत खुशी लगती है सबको मैं प्रणाम करता हूँ जो साहब को हमारे जितने अतिथि हैं सबों को मेरा प्रणाम है। और ये ऐसा है कि हमारे निरीक्षण दल हमारे मंच तराशी हैं और हम सभी क्या करते हैं प्रकृति के विरुद्ध राष्ट्रहित के लिए कोयले का उत्पादन करते हैं और वो कोयला जो भारतीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहलाता है। और आज जब कभी कभी हम छोटी गलतियां करते हैं छोटे बातों को नजरअंदाज करते हैं तो अक्सर दुर्घटनाएं घट जाती है और कभी कभी जान भी गंवानी पड़ती है। साथियों मात्र एक दिन के लिए सुरक्षा को याद कर लेना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमें 24 घंटे सुरक्षा के बारे में सोचना है। और मैं
इस स्वच्छता के अवसर पर आप सबको ये बता दूं कि बोकारो कुलेरी में पिछले साल 2009 में कोई भी फेटल, कोई भी सीरियस एक्सीडेंट नहीं हुआ है, और ये आंकड़ा पिछले 5 सालों तक अगर हम देखें तो इसी तरह से है, कोई सीरियस कोई फेटल एक्सीडेंट नहीं हुआ है। सुरक्षा सप्ताह के इंस्पेक्शन के लिए हम लोग कुछ क्षेत्र से आए हैं और बोकारो माइंस का जो हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया, इनका तैयारी काफ़ी अच्छी थी। विशेष करके जो सुरक्षा गीत, सुरक्षा नाटक का इन लोगों ने आयोजन किया था, काफ़ी सराहनीय था। और माइंस की भी तैयारी अच्छी थी, लाइटिंग व्यवस्था, ड्रिलिंग में वेट ड्रिलिंग की व्यवस्था और हाल रोड का ग्रेडियंट वगैरह काफ़ी अच्छा था, सराहनीय है। और मैं आशा करूंगा कि इसी तरह सुरक्षा का स्तर बना के रखेंगे ताकि दुर्घटना ना हो। आज बोकारो कुलेरी का सेफ्टी वीक में इंस्पेक्शन डे है, कुजू एरिया से टीम जो है आई हुई है इंस्पेक्शन के लिए। इन लोगों का तैयारी काफ़ी अच्छा रहा, गीत संगीत और नाटक के माध्यम से सुरक्षा निर्देशों को इन लोगों ने एक मैसेज दिया अपने वर्कर्स में। इनका सुरक्षा का रिकॉर्ड्स जो है काफ़ी अच्छा सराहनीय रहा है। गत वर्ष 2009 में कोई फेटल एक्सीडेंट या कोई सीरियस एक्सीडेंट बोकारो कुलेरी में नहीं हुई है, और ये स्थिति जो हुई है यहाँ के प्रबंधन के तमाम कर्मचारियों को मैं सराहना करता हूँ उनके कार्य के लिए कि ये सुरक्षा का अच्छा स्तर इन लोगों ने मेंटेन करके रखा है। और हम ये भगवान से कामना करेंगे कि ये स्तर को आगे वाले वर्षों में भी मेंटेन रखेंगे और अपने प्रोडक्शन को सुरक्षित खदान को रखते हुए अपने उपलब्धि को प्राप्त करेंगे। पीओ साहब, आज बोकारो कुलेरी का ऑडिट हुआ सुरक्षा को लेकर के, अपने कर्मियों के किस मैंने कैसे मैंने उन्होंने इस तरह का व्यवस्था किया है जिसकी मैंने आप बता सकते हैं कि वो अच्छी व्यवस्था यही। यहाँ का सेफ्टी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है बोकारो कुलेरी का, पहले से भी 4-5 साल से न तो कोई सीरियस एक्सीडेंट हुआ है न कोई फेटल एक्सीडेंट हुआ, और यहाँ के लोग काफ़ी इसके प्रति जागरूक हैं। और सुरक्षा सप्ताह जो मनाया जा रहा है इसमें भी लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, टीम वर्क की भावना से काम किया है और सुरक्षा को और आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं जिससे कि एक मैसेज आए लोगों में और सुरक्षा की भावना और बढ़े। इस दरमियान आपने कुछ अपने तरफ से या सुरक्षा पदाधिकारी के माध्यम से कुछ सिखाने का प्रयास किया है हाल फिलहाल? हाँ, सुरक्षा वीक मनाया जाता है जिसमें वही रूल्स रेगुलेशंस वेरीफाई किया जाता है, वो सारी चीज़ें बहुत सारे माध्यम से हम लोगों ने लोगों में एक मैसेज दिया और लोगों को बताया, रिवीजन कराया जिससे कि फिर वो उनके दिमाग में सुरक्षा के प्रति भावना वैसी ही बरकरार रहे।